गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अयोध्या नरेश दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम। मंगल करनी करे मर तुलसी कथा रघुनाथ के गति कूरे कविता सरित जो सरे भक्ति रसनीन नाम सुप्रेम पियूष हृदय तिन हो किए मन नाम राम को कल्प करु अपने भाइयों के साथ बड़े हो जाते हैं। उसी समय मुनि विश्वामित्र अपनी समस्या लेकर महाराज दशरथ के दरबार में उपस्थित होते हैं। उनकी समस्या क्या है? जह जप जग्य जोग मुनि करे राजन। मुनि लोग जब तप यज्ञ आदि करना चाहते हैं किंतु आसुरी प्रवृत्तियां उनके इस कार्य में बाधा डालती हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप दोनों राजकुमार मुझे सौंप दें जिससे हमारे धार्मिक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देहीस जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसी। और माँ का आशीष लेकर मुनि के साथ राक्षसों का वध करने के लिए चली। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति
धीर अखिल विश्व कारण करण। समय और प्रभु ने अपने पावन चरण का रज स्पर्श कराकर अहिल्या का उद्धार कर दिया। गौतम नार श्राप बसलू पर देह धर धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। उसी समय मंथरा की कुमंत्रणा पर कैकेयी ने दो वर मांग लिए। वे दोनों वर क्या थे आइए। सुनहु प्राण प्रिय भावत रघुकुल की रीति देखते हुए उन्होंने वचन पालन किया। रघुकुल रीति सदा चलिया वर्ष वनवास के बीत गए। 14वें वर्ष के आरंभ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे रावण ने सीता का हरण कर लिया। क्रोधवंत तब रावण लीन हसिरथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय घमासान युद्ध हुआ राम और रावण के बीच में। रावण के अंत का समय आया। प्रभु ने एक बाण से उसके सर और भुजाएं काट डाली। लेकिन रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े जाए और सिर फिर जुड़ गए। लेकिन इसका रहस्य उद्घाटन किया विभीषण जी ने। रावण के भाई विभीषण ने, प्रभो इसके नाभि में अमृत का कुंड है और जब तक वो कुंड रहेगा तब तक इसी प्रकार ये जीवित रहेगा। प्रभु बड़े हर्षित हुए और इस बार विशेष शौर्य के साथ बल के साथ प्रभु ने अपने धनुष को कानों तक खींच करके 31 बाण इकट्ठे छोड़े। एक बाण ने नाभि के अमृत को सुखाया और शेष बाणों ने अपना काम किया। सर और भुजाओं को अलग किया, धड़ से अलग कर दिया। सायत
प्रभु राम की विजय हुई, धर्म और सत्य की विजय हुई और इस धराधाम से रावण के रूप में बुराई का अंत हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए और जय जयकार किया प्रभु राम का, धर्म का, सत्य की जय, प्रभु राम की जय।